नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ भावना। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ जंगल में गश्त पर गए वन कर्मियों की लकड़ी तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान रेंजर समेत 3 कर्मचारियों को गोली लग गई है। आपको बता दें, तराई केंद्रीय वन विभाग में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले ही वन विभाग और लकड़ी तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वन विभाग ने एक लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जंगल में गश्त पर गए वन कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना तराई केंद्र वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज की है, जहां रेंजर रूप नारायण गौतम सहित 2 अन्य वन कर्मियों को गोली लगी है। फिलहाल घायल वन कर्मी सुरक्षित है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पीपल पड़ाव के रेंजर रूप नारायण गौतम ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि करीब आधा दर्जन से अधिक वन तस्कर जंगल में लकड़ी काटने के फिराक में हैं, जिसके तुरंत बाद टीम ने मौके पर छापेमारी की तो वन तस्करों से आमना सामना हो गया। लेकिन वन कर्मियों को देखते ही तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वन कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि फिलहाल घायल वन कर्मियों का रुद्रपुर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।